गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आजकल न्यूज़पेपर में एक शब्द काफ़ी पॉपुलरिटी से यूज हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी, जो कोरोना के इलाज में इस समय उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या? आपको एक कहीं ना कहीं जब आपने ब्लड पढ़ा होगा तो ब्लड में एक शब्द आया होगा प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली होता क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी कोई नया टर्म नहीं है, आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। प्लाज्मा थेरेपी में जो एक्चुअली जो यूज होता है वो एंटीबॉडी का यूज होता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी सीधी सी बात है, जो हमारे रक्त में जो होते हैं, अगर इसको साधारण शब्दों में कहें तो ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक कह लीजिए कि सिपाही होता है। तो एंटीबॉडी बनते कैसे हैं? जब भी हमारे शरीर में कोई भी जो एंटी पार्टिकल है या जो बाहर से जिसको फॉरेन पार्टिकल भी कहते हैं, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो जब ये सूक्ष्म जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में इनसे लड़ने के लिए क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी द्वारा एक जो रिएक्शन होता है उसके द्वारा एंटीबॉडी डेवलप होने लगते हैं। तो अब इसका उपयोग जो है कोरोना के इलाज में कैसे किया जा रहा है? कोरोना के इलाज में इसका उपयोग इस तरह किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कोरोना से पीड़ित है, और कोरोना से पीड़ित होने के बाद वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा वो फिर स्वस्थ हो जाता है। तो हम करते क्या हैं इस उपचार में? उस व्यक्ति के जो रक्त में जो एंटीबॉडी बने हैं, उस एंटीबॉडी का हम उपयोग दूसरे पीड़ित व्यक्ति में जो अभी कोरोना से पीड़ित हुआ है उसके इलाज में इसका उपयोग करते हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्या ये। देखिए लिखा है प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी यूज होता है। एंटीबॉडी यूज होता है। वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना फैल रहा है, मरीज के ठीक होने पर उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है। ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करता है? कोरोना के मोटे तौर पर तीन स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? तीन स्टेज होते हैं। पहले वायरस शरीर में जाता है, दूसरे स्टेज में क्या करता है? फेफड़े पर पहुँचता है, और तीसरे में इसमें शरीर में लड़ने में एंटीबॉडी ही वायरस में लड़ाई करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। जो तीसरा स्टेज है यही सबसे खतरनाक स्टेज है। और ये प्लाज्मा थेरेपी का अगर कहा जाए तो सबसे सही वक्त कौन सा है? तो प्लाज्मा थेरेपी का जो सबसे सही जो स्टेज है वो देखा जाए तो वो है दूसरा स्टेज, अर्थात जब यह फेफड़ों में पहुँचता है। क्योंकि तीसरे स्टेज में क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है आपको वायरस जो है काफ़ी हावी हो जाता है, क्योंकि पहले में इसे देने का फ़ायदा नहीं है और तीसरे में यह कारगर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी तीसरे स्टेज तक जाने से रोक सकती है। तो इसका भी अगर देखा जाए तो कोई एक ये कारगर इलाज नहीं है, लेकिन इस समय जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो रहा है तब तक के लिए ये कारगर इलाज माना जा सकता है। एक कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबरें हैं। धन्यवाद।